ये देखो दोस्तों, ये लड्डू कितनी सॉफ्ट और दानेदार बने हैं। ये आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और पता है, इन लड्डू को मैंने बना है सिर्फ 3 चीज़ों से। बहुत ही झटपट बनने वाली ऐसी 1-2 लड्डू खाने से आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहोगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूँ श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमा किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल ये बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी तिल, गुड़ और मूंगफली की लड्डू। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये स्वादिष्ट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/2 कप मूंगफली को एक कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे भूनना है मीडियम फ्लेम पे। तो इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट हल्का सा भून लें, जब तक ना इसका कलर थोड़ा थोड़ा करके चेंज होना शुरू हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद आप ये मूंगफली से चट चट आवाज़ सुन सकते हैं। ये इसका इंडिकेशन है कि हमारी मूंगफली भून गई है। इसे ओवर रोस्ट ना करें, नहीं तो आपकी लड्डू खराब हो जाएगी। देखिए ये चटक गई है। बस अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली को अभी हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और इस दौरान हम वही कढ़ाई को थोड़ा सा पोंछ के तिल को हल्का सा भून लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप तिल। कोई भी ग्रोसरी शॉप में यह आपको मिल जाएगा। और ये तिल को भूनना है एकदम लो फ्लेम पे और लगातार चलाते हुए, ताकि तिल जल ना जाए। अगर ये तिल जल गए तो लड्डू कड़वा हो जाएगी। तो इसे भी हमें 2 से 3 मिनट हल्का सा भून लेना है, जब तक तिल का कलर हल्का गोल्डन ना हो जाए, यानी ये क्रिस्पी ना हो जाए। तिल में है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स। साथ साथ इसमें नेचुरल ऑयल्स एंड डाइटरी फाइबर भी मिलते हैं और ये खास हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायता करते हैं। तो इस ठंड में तिल तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। आप इसे खा के भी चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, तिल हमारा बढ़िया सा भून चुके हैं। तो झटपट इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, ताकि ये और ना भुने। और ये देखिए, तिल को मैंने क्रिस्पी करके भून लिया है, इससे ज़्यादा इसे और ना भुने। तो इस दौरान हमारा मूंगफली ठंडा होकर क्रिस्पी हो चुकी है। तो अभी हम इसके छिलका निकाल लेंगे। तो अब मूंगफली के छिलका निकालने के लिए इसे एक साफ कपड़े के ऊपर फैला दें। मैंने इसे एक किचन टॉवल के ऊपर रखा है। तो आप कपड़े के चारों एंड्स को इकट्ठा करके ऐसे हाथ से रब करें, इससे बहुत ही आसानी से मूंगफली से इसकी छिलका अलग हो जाएगा। दोस्तों, मूंगफली में काफ़ी सारे हेल्दी फैट्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, स्पेशली स्किन के लिए लाभकारी है। एज अ मेमोरी बूस्टर इसका कोई जवाब ही नहीं है। और ये देखिए, कितनी आसानी से इससे सारे छिलका निकल गए हैं। तो अभी एक छलनी की सहायता से या हाथों से मूंगफली को छिलका से अलग करके एक बाउल में रख देते हैं। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें सारे रोस्टेड मूंगफली को डाल देंगे। जार के ढक्कन बंद करके इसे हम 5 से 10 सेकंड ग्राइंड कर लेंगे। तो मूंगफली को ग्राइंड करने के बाद जार के ढक्कन खोलती हूँ और ये देखिए, मूंगफली हमारा कितना बढ़िया ग्राइंड हो चुकी है। तो इसे मैंने एक बाउल में रख दिया है। तो आप उसी जार में रोस्टेड तिल को डाल देंगे, इसे भी तो ग्राइंड करना है। तो अभी हम सिर्फ तिल को ग्राइंड नहीं करेंगे, उसके साथ ग्राइंड करेंगे गुड़ को भी। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप गुड़। दोस्तों, ये गुड़ या जगड़ी आप कोई भी ग्रोसरी शॉप से खरीद सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को अभी हम 10 से 15 सेकेंड ग्राइंड कर लेते हैं। तो पहले इसे 3-4 सेकेंड चलाएं और फिर मिक्सी को ऑफ करके और 4 से 5 सेकंड चलाएं। और ये देखिए, तिल और गुड़ का मिश्रण कितना बढ़िया बन चुके हैं और ये कितनी सॉफ्ट फॉर्म में है। अगर हाथों में इसे आप दबाएं तो बहुत ही आराम से ये स्मैश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ ग्राइंडेड मूंगफली को भी मिक्स करना है। अगर आप सोचते हो कि ये गुड़ को ग्राइंड करने के बाद ये मिक्सी में अटक जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये मिश्रण जार से निकल गए हैं। तो आप देख सकते हैं, तिल को मैंने एकदम ग्राइंड नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा करके साबुत रखा है और हल्का हल्का ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए। तो अभी इसमें डाल देती हूँ हमारा कुटी हुई इलायची, जिसे मैंने घर में कूट लिया है, बिल्कुल ऐसे।
आप चाहे तो रेडीमेड इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप होममेड लड्डू में होममेड इलायची पाउडर ही यूज़ करें। उससे लड्डू का स्वाद काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इस तरह से आप इसे बनाएं तो सारी चीज़ों को एक साथ मिलाने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण लेंगे और ऐसे एक हाथ से घुमा घुमा के लड्डू के शेप देंगे। लड्डू के साइज़ आप अपने पसंद अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं इसे मीडियम साइज़ में रखने वाली हूँ। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से पहला लड्डू को मैंने तैयार कर लिया है। प्रोसेस बहुत ही इजी है, आराम से आप इसे फटाफट बना सकते हैं। दोस्तों, इस रेसिपी में आपको गुड़ को पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाशनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गरम गरम गुड़ और तिल को एक साथ मिला के लड्डू बनाने की कोई झंझट भी नहीं है। तो बिना झंझट के मिनटों में बना लीजिए मकर संक्रांति स्पेशल ये तिल गुड़ और मूंगफली की लड्डू, जो बने हैं दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट, जो बने हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट। और दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, गुड़ इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और ये हमारे डाइजेशन में भी मदद करते हैं और शुगर की ये एक अच्छी सब्स्टिट्यूट भी है। तो इस ठंड में हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा करके गुड़ खाना ज़रूर चाहिए। इतनी सॉफ्ट और दानेदार लड्डू को आप बना सकते हैं मिनटों में और बिना झंझट के। तो देर किस बात की दोस्तों, झटपट इसे बना लीजिए और मुझे फीडबैक देके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी मकर संक्रांति।